अच्छा हमारे साथ एक सना जी भी है, लेकिन प्रीटी ह्यूमन जी है, लेकिन सना जी के बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही थी। आप पीछे से यूट्यूब बंद कर लीजिए। बिलाल भाई 1 मिनट दीजिएगा मुझे। प्रीटी ह्यूमन जी जुड़ी है। प्रीटी ह्यूमन जी आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। हाय, कैसी हैं प्रीटी ह्यूमन जी? हाँ जी फर्स्ट क्लास ठीक, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए। जी। बिल्कुल यार, प्रीटी ह्यूमन जी आपके आवाज के तो कई सारे लोग दीवाने हो चुके हैं, हमारी जो व्यूअर्स हैं। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ कुछ कमेंट्स तो मैंने भी रीड किए थे एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि अच्छा। थैंक यू सो मच। जिन जिन ने तारीफ की आवाज़ के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अच्छा आप स्टूडियो में ही रहे हमारे साथ। सना जी आपको आवाज आ रही है? पहले सना जी को दे देते हैं मौका, उसके बाद बिलाल भाई से भी बात कर लेंगे। लेडीज फर्स्ट, अगर सना जी नहीं बोलेगी तो फिर हम बिलाल भाई से बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम मुस्लिम खवातीन जो है वो जुड़ती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम खवातीन अगर जुड़ रही है। सना जी आप प्लीज यूट्यूब बंद कर दीजिए ना अगर बैकग्राउंड में चालू है। हेलो प्लीज यूट्यूब बंद कर दीजिए ना अगर बैकग्राउंड में चालू है। हेलो हेलो यूट्यूब ऐप ओपन है आपका सना जी? यूट्यूब ऐप ओपन है आपका सना जी? नहीं बंद है एक्चुअली, एयरफोन नहीं है मेरे पास, मेरा एयरफोन का सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हेलो आवाज सही है तो इनसे बात कर लेंगे। और उसके बाद एक रेहान साहब, पता नहीं ये मोमिन है या नहीं मोमिन है, अभी थोड़ी देर पहले ये आर्यन नाम से थे। अगर मोमिन नहीं है तो फिर भाई आपको बैन कर दूंगा, और दूसरी बात कभी जब काफिरों के साथ गुफ्तगू का मौका आएगा तभी भी नहीं दिया जाएगा आपको। सना जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। क्या कहेंगे आप हेलो आज के टॉपिक पर? आज के टॉपिक पे मैं इसमें नमाज के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर ये कह रही हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने ओह कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, आप तो हेलो बहुत बहुत वेलकम टू शुक्रिया। आवर फैमिली, वेलकम टू आवर फैमिली। सुनिए तो थैंक यू। जी पहले तो मैंने कुरान की हिंदी तर्जुमा में शरीफ को पढ़ी, उसे समझा जाना। मैंने इसमें पाया उसमें कोई इंसानियत नहीं है, कोई मेजबान के लिए मोहब्बत नहीं है, और उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये पूरी तरह से किसी शैतान की किताब लगती है। ओके तो जी हाँ ओके तो फिर उसके बाद आप लोग को सुनने सुना मैंने साहिल जी को, सचवाला जी को, एडम को। उसके बाद मैंने पाया खुद को कि मैं किसी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से एथिस्ट बन गई। अब एथिस्ट तो बन गई, अब इस दल से कैसे निकलूं? मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब इस दलदल में मेरा दम घुट रहा है। ओके मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ, बट मैं निकल नहीं सकती। कहाँ जाऊँ? मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब तब से मुझे पता चला है कि कुरान कोई भी इसमें खुदा नज़र नहीं आया मुझे, तो मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत तकलीफ हुआ मुझे। मैं 2 महीने हुआ है बस, 2 महीने से मैं अच्छा, बहुत सिर्फ डिप्रेशन दो में। महीने ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के? हाँ, 2 महीना हुआ है। अच्छा। तो जब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तो इन लोग की हैवानियत तो सामने दिख रही है, कैसे ये लोग हैवान हैं। एक छोटा सा भी उम्मीद नहीं मैं रख सकती लोगों से, जिस बेरहमी से उस बंदे को इन लोगों ने काट दिया। ये लोग कितने बड़े शैतान हैं, प्रूफ देते हैं ये लोग। अब मुझे इन लोगों से इतनी नफरत है इस मत से, इस इस्लाम नाम की गंदगी से ही, कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये लोग खत्म हो जाए, ये लोग रहे ही ना। अच्छा मुझे ये बात बताइए, प्रॉब्लम सना जी आप मतलब रिलीजियसली नमाजें वमाजें भी पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, या किस टाइप की मुस्लिमा थी आप? साथ साथ मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, पत्थर मुस्लिम कहते हैं। अच्छा, तो तो
नमाज तो पे तो नमाजे उनकी पाबंदी नमाजे पे और पढ़ते इस थे कोई पे बैठ तो के नमाजे उनका नमाज नमाजे पढ़ते। पढ़ते थे कोई सूरह इरा को सुना सकते हो? हाँ सूर्य हाँ कोई भी एक सूरह सुनाइए, सूर्य हम सब सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में, हम सब सुनना कौशल चाहेंगे आपकी सुना आवाज दूँ? में। जी बिल्कुल सूर्य जी कौशल सुना बिल्कुल दूँ? इन्ना जी दैना जी कल सुनाइए कौशल ससली नी रब्बिका जी वन जी हर सुनाइए। इन्ना सानिया का वो लगता है। हेलो अरे वाह, कोई दुआ उठने बैठने, कोई क्योंकि दुआ हमारा उठने मजहब जो है बैठने वो क्योंकि हमारा मजहब जो है उठने बैठ अच्छा। सना जी मैं जब बोलूंगा तो मैं आपको म्यूट कर देता हूं ताकि वॉइस डबल ना हो, और उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा तब आप अपनी बात रखिए। सूरह कौसर आपने सुनाया और सही भी पढ़ा आपने। मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारे मजहब में उठना बैठना, टॉयलेट में जाना निकलना, खाना सफर में जाना, सब में कुछ ना कुछ दुआएं हैं, तो आपको ऐसी कोई दुआएं भी याद है स्पेसिफिकली जो दिन के यानी जो हम काम करते हैं उसमें जो अक्सर जो पढ़ा जाता है उसमें कोई दुआ याद है तो प्लीज बताइए आप। नहीं, वो इतनी सारी दुआ मैं याद नहीं, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, मैंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं इतनी सारी दुआ तो याद नहीं रखती थी। इतनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत भी नहीं किया मैंने। हाँ नमाज पढ़ती थी नॉर्मली जितना पढ़ना चाहिए, हमारे साथ 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती थी, कभी कभी पढ़ लिया, कभी 2 वक्त का, कभी 3 वक्त का, कभी 4 वक्त का, कभी कुछ भी नहीं पढ़ी, ऐसा भी होता था। तो ऐसा कुरान, लेकिन मैं बराबर तिलावत कुरान की सुनती थी क्योंकि नमाज में अगर मैं ज़्यादा नहीं कभी पढ़ पाऊँ तो कुरान की तिलावत बराबर मैंने यूट्यूब में डाउनलोड। सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपको अरबी पढ़ना आती है सना जी? अरबी पढ़ना आती है आपको? हाँ, अरबी पढ़ना आता है, उर्दू पढ़ना नहीं आता। अच्छा, मैं आपके सामने अच्छा मैं आपके स्क्रीन शेयर सामने कर देता स्क्रीन शेयर हूँ। कर देता हूँ। ओके हेलो ये स्क्रीन दिख रही है आपको? सॉरी बहुत बारीक दिखाई दे रहा है। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट रुकिए। हेलो हाँ एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट रुकिएगा। यार ये तो मेरा स्क्रॉल ढंग से नहीं लग रहा था। इमाम साहब आप कुरान.com खोल सकते इमाम हो? साहब आप कुरान.com खोल सकते हो? इतना एको क्यों कर रहा इतना है? एको कर रहा है? अच्छा कौन सी सूरा खोलना है अच्छा कौन सी सूरा साहिल? एक खोलना सेकंड है? शेयर कर रहा हूँ साहिल स्क्रीन। शेयर कर रहा हूँ। एको कर रहा है साहिल, एको कर रहा साहिल बोलो स्क्रीन शेयर करिए। बोलो शेयर करिए। ये सना जी के पास से एक हो रहा है तो मैंने उसको थोड़ा कौन सा सूरा खोलना है? हाँ मैं खोल रहा हूं। कोई भी एक सूरा ओपन करो। अभी सूरा हूद खोला हुआ हूँ मैं, आयत 114 जो बता रहा था। इसको थोड़ा जूम करो ना। फ़ॉन्ट 1 सेकंड, अरबिक फ़ॉन्ट ज़ूम करना है? हाँ अरबी फॉर्म और करो। और ठीक है सर। बस 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 सना जी आपके सामने अरबी की इबारत है। आप चूंकि आपने कहा कि आपने अरबी भी पढ़ आपको आती है पढ़ने के लिए, तो जरा आप पढ़ के भी दिखा दे। हाँ ठीक है। वाकी मिस असला तो वल सला सॉरी वाकी
واقيمي الصلاة وتو ترى ترى في أن النهار وزولا فم من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. हेलो, बहुत शुक्रिया सना जी। हालांकि मिस्टेक्स है पढ़ने में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने यानी एकदम अच्छे तरीके से नहीं सीखा होता है, अक्सरियत जो है मुसलमानों की वो लगभग इसी तरीके से पढ़ती है। थोड़ा जेर जबर का मिस्टेक होता है और जहाँ पे मिलाना है वहाँ पे नहीं मिला पाते, बट एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इतना इससे समझ में आ जाता है कि सना जी जो है वो वाकई में एक मुसलमान ही थी, और इतना वो पढ़ लिया उन्होंने वो भी बहुत बड़ी बात है। सना जी बहुत अच्छा लगा। तो अब ये 2-3 महीना ही हुआ है आपको इस्लाम छोड़ के, और उसके बाद आप यानी कह रही कि आप तकलीफ में भी है या आप कहाँ जाएंगी, क्या करना है? तो आप एक काम करिए, आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है, आप सेफ्टी का ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी फैमिली है, हस्बैंड है, अगर आप उनको बता सकती है, ये चीज़ें शेयर कर सकती है, वो इतने रिलीजियस या कट्टर नहीं है, तो आप उनसे बात करिए और देखिए, उनको बोलिए कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अगर वो कट्टर नहीं है तो, अगर वो समझते हैं बातों को तो, वरना नहीं। और फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप एक फिर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ही मतलब इस्लाम में रहकर आप जिंदगी नहीं गुजार सकती है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट या कुछ है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उधर से बाहर निकले और कोई और जगह पे आपका आपको सेटल किया जाए। तो ये ज़रा आप बताइएगा, या आप इस पे सोच सकती है, बाद में आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकती है व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पर। सना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली थी। हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप? हाँ, हम बीच में इसलिए नहीं बोलते ना क्योंकि वो एको होती है। आप कंटिन्यूस अपनी बात रखें, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको म्यूट करूंगा और हमारी बात रखेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी, मैं इसलिए आपसे बात ये मैं आपसे करने वाली बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को इस नरक से निकालना चाहती हूँ। मुझे इस्लाम मज़हब में इंसानियत नहीं दिखी, एक बेजुबानों के लिए मोहब्बत नहीं दिखी। जब कुर्बानी करते थे, मैं जब छोटी थी, मेरे सामने फर्स्ट टाइम एक बार कुर्बानी हुआ था तो मैं अंदर से हिल गई थी, बहुत रोया। जब मैं शायद 9-10 साल की थी तो मैं जब अपने घर वालों से पूछती थी कि क्यों क्यों किस लिए मत करो, तो वो लोग दिखने हैं मल्ला की हमें कुर्बान लगते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अल्लाह को ये पसंद है, इस तरह से उसे बीज जानों को पी रहे हैं, पैदा होता है तो क्या उसे पसंद है? तो ये लोग बोलते थे नहीं, अल्लाह को नहीं पसंद है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पढ़ करते वगैरह गया। तो स्टूपिड की कहानी सुनाया इन लोगों ने, उस पर मुझे यकीन मिला क्योंकि वो स्टोरी अल्लाह की तरफ से अगर था अदनाइस वो ही ख़त्म हो गई थी, उसे फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, वो मुझे लगा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से ये सारी स्टूपिड बना हो रहा है, कुरबानी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मुझे लगा मेरा कुरान तो ऐसा कुरान में कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें कोई जुबान को कत्ल करने की बातें नहीं होगी क्योंकि अल्लाह तो सबसे प्यार करता है, हर एक जर्रे जर्रे से वो 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है, तो वो कैसे किसी को जान से मारने की इजाज़त दे सकता है? मैं इस तरह से खून खराबा वगैरह वगैरह मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये सारी चीज़ें अल्लाह कहेगा कुरान के ज़रिए। और जब मैंने कुरान को हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने उसे जाना, तो मैं पूरा हिल गई, मैं पूरा अंदर से हिल गई। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है। मैं पूरी तरह से कांप गई क्योंकि जो मैं 70 माह की मोहब्बत करने वाला मेरा जो अल्लाह था वो इसमें कहीं नहीं था।
इस कुरान में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। उसे रहमान कहते हैं, उसे रहीम कहते हैं, तो वो कहाँ है उसका रहमान, उसका रहीम इस कुरान के अंदर? और जो सब्र करने वाला, वो कहते हैं अल्लाह बड़ा सब्र वाला मेहरबान है, कहाँ है उस कुरान के अंदर सब्र करने वाला? मैं पूछती हूँ इन मुसलमानों से, ये मुझे जवाब दें, कहाँ है वो? वो सब्र करना बोलता है, हर चीज़ में बोलता है सब्र करो, तो ये कुरान कहाँ कहाँ दिखा रहा है सब्र करना? ये तो कहता है जंग करो, जिहाद करो। क्यों करो? जिहाद करना सिखा रहा है ये शैतान बनाना सिखा रहा है ये हैवानों को तैयार कर रहा है, ये जल्लादों को तैयार कर रहा है ये अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वो गुमराह करता है। ओके, वो गुमराह कर रहा है। किसको गुमराह कर रहा है? जिसके दिल पत्थर हो चुका है, जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, ये उसे गुमराह कर रहा है। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर दया है लोगों के लिए, वो उसे गुमराह नहीं कर रहा, ये उल्टा कर रहा है। ये कहता है मैं काफिरों को गुमराह करता हूँ, लेकिन नहीं, ये मोमिनों को गुमराह कर रहा है। ये उनके उन्हें वो कुरान पे अमल करता है जो पत्थर भी है, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं, इंसानियत नहीं है, अच्छाई नहीं है। आज कल के नमाज पढ़ने वाला सीधा साधा भोला आदमी जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो कत्ल कर दिया कन्हैया लाल क्या नाम से तारीखा, पाँचवा का नमाजी था, वो कुछ औरतें मुसलमान औरतें कह रही हैं कि पाँचवा का नमाजी था, इतना सीधा था, इतना गरीब था, वगैरह वगैरह, उसकी तारीफ के फूल बांध रहे हैं लोग उस हैवान के, उन दोनों हैवानों के। ये इतना सीधे लोग, इतना अच्छे लोग, इतने बड़े शैतान, पाँचवा की नमाजी, इसका मतलब नमाज बेकार ही पढ़ना। फिर तो जो पाँचवा का नमाज पढ़ के उसके अंदर इंसानियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह वाला नहीं है वो अल्लाह कैसे अल्लाह का कौन है अल्लाह? मैं पूछती हूँ ये अल्लाह है, ये हैवान को दिखाना, ये शैतान बनाने को अल्लाह अल्लाह कहते हैं क्या? हाँ, फिर शैतान और अल्लाह में फ़र्क क्या है, कोई मुझे बता दे। मुझे तो उसमें मुझे ऐसा पता ही नहीं चला कि कोई, मैं किसको पढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी शैतान की किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन कहीं मुझे अल्लाह नजर नहीं आया, बस अल्लाह के नाम से डराया जा रहा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से क्यों डरो? अल्लाह से, अल्लाह सत्तर माओं की मोहब्बत रखता है ना, फिर उससे डरना क्यों, क्यों डरना उससे? क्या वो शैतान है? इतना सब कुछ इस कुरान में लिखा है, हूर मिलेगा इन लोगों को, मारने तक की इजाजत दिया है औरत को, मार सकता है वो, जान से मार सकता है, क्या मतलब करता है हमारे साथ? क्यों मारेंगे हमें जान से? हम अगर बदकारी कर दें कभी गलती से, चलो हमें मार दिया जान से, ठीक है हम बदकारी कर दिए, हमें मार दो तुम जान से, लेकिन जब वही बदकारी आदमी करता है तो उसे कोई सजा नहीं है? क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? किसने कॉमेडी किया हमारे साथ ये कुरान लिखकर? हाँ, किसी कुरान, ये कुरान किसी खुदा का किताब हरगिज नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी ने तो बहुत बड़ा मजाक किया है मुसलमानों के साथ। ओके, और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लोग समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अंदर की हैवानियत को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहते नहीं नहीं ये तो सही है, हमने तो मान लिया ये हैवानियत किताब है, तो हम तो मुसलमान हैं, थोड़े तुम्हारी जात को, क्या तुम मुसलमान जन्नत पाना चाहते हो, हूरे पाना चाहते हो? एक ऐसी हूरे जिसके अंदर की हड्डी तक नजर आती है, इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी उसको नंगी दिख रही है, वो अंदर की हड्डियाँ नजर आ रही है, वो हूरे हैं या चुड़ैले हैं, ये डायन है, कौन है वो कौन? मैं पूछती हूँ लोग, उन डायनों के लिए लोग मर रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं? हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? अच्छा मजाक है ये, किसने मजाक बना के रखा है मुसलमानों का, और पता नहीं किसने ये कुरान लिख दिया और ये दुनिया में दे दिया, और ये लोग बस अंधे भक्त, ये लोग कहते हिंदू लोगों को लोग अंधे भक्त हैं। तुम लोग कौन हो बताओ मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कुरान में कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आती। हाँ, एक छोटे बच्चे को तक कत्ल कर दिया जाता है ताकि उसके माँ बाप ईमान ले आए, क्या मजाक हो रहा है इसमें? उसके माँ बाप को पता चलेगा कि इस बच्चे को मेरे बच्चे को इस खुदा ने मारा है, तो वो ईमान, वो मरना पसंद करेंगे। पूरी की पूरी किताब बकवास है। मैं दिन रात उठते बैठ सूरे कुल सुनूँ, सूरे फलक सुनूँ, सूरे बकरा सुनूँ, ये आयत सुन लो इससे तुम्हारे घर की रोजी बरकत आ जाएगी, ये आयत सुन लो तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार करने लगेगा, ये आयत सुनो सूरे यासीन सुनो, ये सुनो वो सुनो, ढकाना सुनो, फलाना सुनो, भाड़ में जाइए, सारी मैं सब सुनती रहती। लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे इसके तर्जुमे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, क्या मजाक हुआ मेरे साथ, मैं दिन रात सुनती रहती थी, एक झूठी आस में थी कि वाकई में कोई खुदा है,
नहीं है कोई खुदा, मैं नास्तिक बन गई। मैं भी आप लोग की वीडियो सुनने के बाद मैं पूरी तरह से नास्तिक बन गई, मुझे विश्वास पूरी तरह से हट गया। एक पॉइंट मैंने पकड़ के रखा था, क्या पता शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, शायद हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो रही है। ये मोई भी मुफ्ती बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं ये लोग तो। हाँ, इसमें कोई खुदा नहीं हो सकता। बचपन में जब मैं 9-10 साल की थी, एक मौलवी हमारे घर आते थे पढ़ाने के लिए, हालांकि एक दो महीने ही पढ़ाए थे ज़्यादा ही, तो एक दो महीने ही उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि मेरी वो घर पे आके जब पढ़ाते हैं तो वो लोग फीस ज़्यादा लेते हैं, तो फीस ज़्यादा लेते हैं उसके लिए। तो मेरी मम्मी ने कंजूस, मेरी माँ ज़्यादा दे ली। उसके बाद ओके, तो मेरी, मैं 9-10 साल की थी, मेरा भाई था, हम दो जन पढ़ रहे थे। मेरे घर के पास 2-3 गिरगिट थे, तो मेरे भाई ने कहा आप जी मेरे घर के पास गिरगिट है। आप जी ने कहा वाह अच्छा, तुमने उसे मारा नहीं? तो मेरे भाई ने कहा नहीं मारा, क्यों मारना? तो नहीं, तुम उसे मारो, तुम्हें 70 नेकियां मिलेंगी, अल्लाह पाक तुम्हें 70 नेकियां देगा। मैंने तुरंत टोकी आप जी से, आप जी क्या कह रहे हो, 70 नेकियां क्यों अल्लाह पाक देगा, वो तो किसी को काटता भी नहीं है, और उसे क्यों मारना? तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया, कैसे हमारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नासों को जालिम लोग मार रहे थे और वो छुप गए थे, और गिरगिटों ने इशारा कर दिया और उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। तो मैंने कहा ठीक है आप जी, मानती हूँ कि उस गिरगिट ने गलत किया और जिस तरह से उनकी नमाज़ों की जान चली गई, नहीं होना चाहिए था, वो गिरगिट तो मर के सदियों बीत गया, अब उसकी गलती की सज़ा इसे क्यों? वो गलती किया तो उसको सज़ा तो कब का मर के हो गया हूँ, तो अल्लाह के पास कब का चला गया, उसे अल्लाह पर सज़ा भी दे रहा होगा, फिर इसे इन लोगों को क्यों मारना, ये तो वो गिरगिट नहीं हो सकता ना। तो आप जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो कहा गया है वो करो। मैंने कहा अरे फिर ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है ना अभी जी, किसी बेजुबान की बेवजह जान लेना। कहने लगे देखो क्या नाम है, हाँ तुम गलत सही मत देखो, जो कहा गया वो करो। और ये मतलब 70 नेकियां देने के लिए, मैंने कहा अगर अल्लाह का 70 नेकियां उनकी जान लेने से दे रहा, वो खुद भी तो बचा सकता था ना, ये नेकी काम वो खुद भी कर सकता था, क्यों उसने मरने दिया उनकी नमाजों को? वो क्या उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि रोक सके उनकी मर्डर को, उनके कत्ल को? हाँ साफी जी का तो मुँह लटक गया, गुस्सा हो गया, भड़क गए, मेरे को कहा मुझे काफिर वगैरह कहने लगे, ये मैं शैतान हूँ, मैं काफिर हूँ, बहुत सवाल ही करती हूँ, बहुत जवाब उल्टे से सवाल करती हूँ, जवाब तो कुछ देना नहीं है इनको, बस भड़कना है। तो इस तरह की बहुत सारे बचपन से ही मैंने छोटी छोटी चीज़ें मुझे जो अच्छी नहीं लगी, तो मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बस कुरान में भी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, मुझे ये बात नहीं पता था। अभी 2 महीने पहले बात मुझे पता चला, तो जब मुझे पता चला मैं सोचती थी जो हदीसों की बातें सब बकवास होती हैं, हदीसें सही नहीं होती हैं, हदीसें कुछ सच है कुछ झूठ है, तो कुरान तो सच्चा है, कुरान में कुछ गलत नहीं है। तो जब कुरान को समझा तो पता चला यार यहाँ कुछ सही था ही नहीं, कभी कुछ सही था नहीं, हम तो बस अंधे भक्त थे, अंधे ईमान वाले। बस इस दलदल से निकलना है। मैं सोची, मैंने आप लोग की वीडियो भी सुना था, बचपना जी वीडियो, आप लोग की वीडियो, आप लोग सबूत बहुत सारी बातें करते हो, जाहिर सी बात है हर चीज़ का सबूत देते हो आप लोग, जो भी आप लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप लोग तो अपने से ये सारी सबूतें बनाते हो, अपने से लिखते हो और दुनिया को दिखाते हो। ओके, तो तुम बता दो ना कि सच्चाई क्या है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं मानती हूँ, तो तुम बताओ कि सच्चाई क्या है, सबूत हकीकत क्या है, मतलब जो वो रिस्पॉन्स जो क्या कहते हो आप लोग, जो आप लोग देते हो वो अगर गलत है तो आप लोग बताओ कि क्या सही है। हाँ आप लोग दिखाओ प्रूफ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं है, ये वाला सही है, तो तुम लाओ, तो इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, फिर मुफ्ती पकड़ते, मौलाना पकड़ते, तो इस तरह की, वो भी मुफ्ती मौलाना के पास जाओ तो वो लोग पहले तो प्यार से समझाएंगे, और अगर हम नहीं माने तो फिर हमको इनकी औकात दिखाएंगे, धमकी देंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, ये इनकी औकात है। ओके, मैंने अभी आपको म्यूट किया है सना जी, एक्चुअली जो वॉइस का प्रॉब्लम था इसके वजह से हम लोग बीच में कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपकी जो ये बातें हैं उसमें हमें वो दर्द नज़र आया है कि आप कितना बिट्रेड फील कर रही है कि आपके साथ
यानी इस्लाम के नाम पे धोखा हुआ है, आपने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, नमाजें पढ़ी, कुरान आपने पढ़ा, सब कुछ कर दिया, और लेकिन जब आपको हकीकत पता चली, हमारी वीडियोस आपने देखा, आपको समझ में आया, और जब आपने गौर किया तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें गलत नजर आई, और इतना जो आपने पूरा लाइन से सब चीजें रखी उसमें आपका दर्द हमें नजर आ रहा था, और वो बखूबी हम समझ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको सुन के जो बाकी हमारी मोमिना है, मोमिन बहनें हैं, वो भी गौर करेंगी कि क्या है इसमें। तो प्रीति ह्यूमन जी, आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है? प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? हाँ, अच्छा, प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट। बत्तावर भाई, आपको कुछ ऐड करना है? सना जी जो है उन्होंने कई सारी बातें बताई हमको, और सब वैलिड पॉइंट्स उन्होंने अक्सर जो पॉइंट रखा है वैलिड पॉइंट रखा है। उसमें एक चीज थी, उन्होंने कहा था कि अगर मर्द जो है वो बदकारी करे तो उसको कोई सजा नहीं, हालांकि इस्लाम में अगर मर्द भी बदकारी करे, शादीशुदा है, तो उसको रजम की सजा है, तो ये बात तो है, लेकिन बाकी उन्होंने मोस्टली जो सब कहा वो हम उस चीज को समझ सकते हैं। बख्तावर भाई, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? मैं इनकी इनकी जो इंसानियत है, जो अपने अंदर जो इतने जमाने से जो जिंदा रखे हैं ये, और वो इंसानियत अपने आप में, और वो भलाई, वो काइंडनेस, दैट सेंस ऑफ जस्टिस दैट हैज गॉन अनपर्वर्स्ड, लाइक मैनी, बहुत सारे इंसान दुनिया में हैं जो ऐसे ब्रोकन हालत में, जो ऐसे डिबिलिटेटेड हालत में अबैंडन कर देते हैं ये नोशंस, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं, दैट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मैनी पीपल अबैंडन इट, दे डोंट होल्ड इट विद इन देमसेल्व्स, जो अपने आप में जो भी बेहतर होके आता है वो और उस जो भी सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं उन्हें विद दे गिवन देमसेल्व्स टू सिंपली कंफर्म विद एवरीवन एल्स. The fact that she hasn't done this, the fact that she still has retained that sense of self and that sense of right, I have to admire that. And I hope that ये आपका भलापन जो है हमेशा हमेशा बरकरार रहे, यही मैं चाहूँगा आपके लिए। जी, बहुत शुक्रिया बख्तावर भाई। इमाम साहब, कुछ पॉइंट ऐड करना है आपको, उसके बाद सना जी से मैं लास्ट बात कहूंगा जी, हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। पहला तो क्विक पॉइंट्स के टॉपिक पर बात होगी क्या? टॉपिक पर अगर बात नहीं होगी तो मैं निकल जाऊंगा यहां से। मैं आपसे लास्ट में टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। मेरी बॉल क्यों खेल रहा है भाई जी? मैं करूंगा आपसे बात। एमडी हयात भाई, आप चूंकि बहुत देर से रुके हुए हैं तो आप लास्ट कॉलर रहेंगे, उसके बाद हम स्ट्रीम भी क्लोज कर देंगे, और जो बाकी मोमिन भाई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक का जो एपिसोड नंबर 2 होगा उसमें आप लोग जुड़ के अपना जो भी आर्गुमेंट है अच्छे से सीखे समझे, अपने मुफ्तियों के पास जाएं, उलेमा के पास जाएं, और उनसे बोले कि भाई ये एतराज बिल्कुल इतना आसान सा एतराज है लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या बोले इनको जाके, इन मुर्तदों को, इन एक्स मुस्लिमों को, तो ये आप लोग पता करिए। आज के लिए एमडी हयात भाई लास्ट है, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। जी इमाम साहब, आप अपनी बात रखिए। देखिए, क्विक पॉइंट्स, पहला तो जो गिरगट वाली बात है, मोहम्मद जब गुफा में छुपे थे तब गिरगट ने मुंह करके इशारा करा, ऐसा कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर मिलता है बुखारी में हदीस 3359 के ऊपर, मिश्कातुल मसाबी में 4119 के ऊपर, कि मोहम्मद ने कहा कि गिरगट को मार दिया करो, क्योंकि जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया था तो ये हर मखलूक उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर गिरगट जो है फूक मार के आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। और इस पे कई अलग अलग हदीसें हैं कि हजरत आयशा जो थी वो अपने घर में नेजा रखती थी, एक औरत ने पूछा कि आपने क्यों रखा है, कहा कि हम इससे छिपकलियां मारते हैं, कहा कि आप छिपकलियां क्यों मारती हैं, कहा कि जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे मगर छिपकली फूक मार के आग भड़काने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसे मार दिया करो। औरतों के मुतल्लिक जहां बात आती है, उनका जायदाद में आधा है, कुरान सूरह निसा की आयत 11 के मुताबिक, जामिया तिर्मिजी में आता है 1513 के अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए अकीका करो तो एक भेड़ ज़िबा करो, मगर अगर लड़का पैदा हुआ है तो दो भेड़ों को ज़िबा करो।
उसकी गवाही का मजाक उड़ाया कुरान ने कि उसकी गवाही को आधा बोला। हदीसों में आता है बुखारी में कि मोहम्मद ईद का खुतबा दे रहे हैं और कहते हैं, और तो मैं सबसे ज्यादा तुम्हें जहन्नम में देखता हूँ, और तुम लोग दीन के अंदर भी कमजोर हो और अकल के अंदर भी बेवकूफ हो। तो औरतों ने पूछा, हमारी अकल में हम अकल में क्यों बेवकूफ हैं? तो कहा, तुम इसलिए बेवकूफ हो अकल के अंदर अच्छा क्योंकि इमाम तुम्हारी साहब, गवाही मर्द के थोड़ा मुकाबले आती है। इमाम साहब थोड़ा ब्रेक भी जी लगाओ, ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। आप ये बताओ कि ये सना जी जैसे जो लोग हैं वो इस्लाम से बाहर आ रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहोगे, क्या मैसेज है, या कुछ उनके अप्रिशिएट लिए करोगे मैसेज ये है इनको? कि अगर या तो अपनी फैमिली को चेंज करने की कोशिश करें कि उनको भी वो अपनी ही तरह बना पाएं, रैशनल बना पाएं, अकल पे चलने वाला बनाएं, किस्से कहानियों पे जो गधे घोड़ों की काल्पनिक कहानियां इस्लाम पे, उनसे बचाएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं, बहुत कट्टर हैं वो, तो कोशिश ही करें कि आने वाली जनरेशन को एजुकेट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन एक्स मुस्लिम हो। पुरानी नस्ल तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी एक टाइम के बाद, उनकी औलादें जो हैं वो रैशनैलिटी पर चलें, वो जो है एक आजाद ख्याल हो, और वो इस दीन पे नामा इस दीन पर अमल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, बल्कि ये बात आपने अच्छी कही है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक तो सना जी है, लेडी फीमेल है अब, और दूसरा है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी है। तो सना जी को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा कि भाई, अगर मैं यानी बगावत करती हूँ, मैं ठीक है, अगर मैं बगावत करती हूँ, चूंकि मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत 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 यानी बेकार हो सकते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर हम एक कदम तो उठा लेते हैं, फिर उसके बाद पछतावा होता है। तो ये चीज आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अभी एक चीज ये, अभी ये किसके वहां से एक हो रहा है पता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे इमाम साहब ने बताया और कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया कि आप ये इतना बड़ा स्टेप लेने के बजाय, आप जो आपके बच्चे हैं, चूंकि माँ जो है वो परवरिश करती है और माँ के साथ ज्यादा वक्त बच्चों का गुजरता है, तो आप उनको रैशनल बना सकती है, इस जंजाल से निकाल सकती है। दूसरा तरीका ये है, अब आपको डिसाइड करना है। तीसरा तरीका ये है कि अगर वाकई में आप निकलना चाहती है, तो जैसे अपना स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी है, वो घर वापसी का काम करते हैं, लेकिन चूंकि आप एथियस्ट है तो जरूरी नहीं कि आप घर वापसी कराएं, लेकिन वो इस तरीके की जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनको फिनेंशियल हेल्प भी देते हैं, घर वर्क का भी बंदोबस्त करके दे सकते हैं। वो उन्होंने अपनी स्ट्रीम में भी कहा है, यहाँ भी कहा है, और हम भी आपके लिए कर सकते हैं क्राउड फंडिंग, कि आप जो है वो वहाँ से निकल के एक इंडिविजुअल लाइफ जी सके। क्योंकि अगर हम उस तरीके की क्राउड फंडिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग जो है वो सामने आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ के आपको फैसला लेना पड़ेगा। सना जी, ये लास्ट फाइनल कमेंट आप दीजिए, उसके बाद फिर हम एमडी हयात भाई से बात करेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। हेलो। अब वो स्वामी जितेंद्र जी से मैंने बात की थी कल, आज भी किया। अब वो तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, वो मुझे घर वापसी कराने के लिए तैयार है। वो तो मुझसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद वो मुझे यहाँ से हटा देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं घर वापसी नहीं करना चाहती। मैं एथिस बन गई हूँ, मैंने उनसे कह तो दिया। मैं इतना ज़्यादा, जब ये मर्डर हुआ, जिस तरह जिहादी किया इन लोगों ने कत्ल, मैं इनसे और नफरत करने लगी। जब से ये कत्ल हुआ ना, मुझे और नफरत हो गई इन लोगों से। तो मैं बस इस नज़र से अपने बच्चों को निकालना चाहती हूँ। मेरी फैमिली, मैंने अपने हस्बैंड से बता दिया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है मेरी आरती तो उतारेगा नहीं, मुझे उल्टे सीधे बातें ही कहेंगे, गाली गलौज वगैरह वगैरह। और मुफ्ती मौलाना से मेरी दिमाग में जो गंदगी भर गई है उसे बाहर निकलवाएंगे। ओके, तो अब मैं, मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने की धमकी हो रही है कि
मेरे बच्चों को वो बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पर पढ़ाया जाता है उर्दू अरबी सब चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर मेरे बच्चों को डाल दिया जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहती हूँ कि आखिरकार मेरे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर दिया जाएगा इतनी, तो इसके लिए मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे स्वामी जी से हेल्प लेना चाहिए, तो मैंने उनसे कह तो दिया, वो हेल्प करने को राजी भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं सनातन धर्म या किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं अगर उनसे ये कहूँ कि मुझे धर्म में नहीं जाना है तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? तो नहीं करे, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं उनसे कह दूँ कि नहीं, इसलिए मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दो और मुझे एसएस बनना है, और मैं वही सारी चीज़ें सोच के फिर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, कहाँ जाऊँ। ये अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा म्यूट किया है सना जी, आपने ऑलरेडी अगर स्वामी जी से बात की है, मैं भी उनसे एक बार बात कर लूँगा। स्वामी जी ने स्ट्रीम में हमारे कहा है कि अगर कोई इस तरीके से परेशान है तो वो घर वापसी नहीं भी करना चाहता है तो भी वो उनकी सपोर्ट करेंगे। मैं भी आप उनसे बात करता हूँ, आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करिए ताकि मैं कुछ अलाइन करूँ। और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि अगर इन केस ऐसा होगा नहीं, इन केस अगर आपको वहाँ से अगर हेल्प नहीं भी मिल रही है तो हम क्राउड फंडिंग करके कुछ प्लान बनाते हैं ऐसा, ताकि आपके और आपकी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो आपके तरीके से गुजर सके। और ये बहुत बोल्डली आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं अगर आप मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सनातन में नहीं आना चाहती या घर वापसी नहीं कराना चाहती, एब्सोल्युटली फाइन। और खुद यहाँ पे कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद हिंदू है, सनातनी है, और वो भी कोई इस तरीके का आप पे ये नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ इस वजह से कि कोई सपोर्ट कर रहा है इस वजह से आप घर वापसी कर ले या सनातनी बन जाए। तो वी रियली सल्यूट कि आपने वेरी बोल्डली आपने ये कहा कि मुझे उसमें नहीं जाना है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, देखते हैं कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकालते हैं कि इस मसले को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जी सर, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं इस नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। नहीं निकलूँगी तो मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये भी जहालत में गिर जाएंगे, तो मैं जहालत में नहीं गिराना चाहती इन्हें। मैं स्वामी जी से यही कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मुझे सनातन धर्म में एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे उसमें नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी भी ईश्वर को अपनाने के लिए मुझे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये गॉड, ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये सही है, मेरे दिल से आवाज़ आना चाहिए। जब मैंने कुरान की तिलावत की तो मेरे दिल से आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये सही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि ये सही नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जब मेरे अंदर से आवाज़ आए कि हाँ ये सही है, ये मज़हब, ये धर्म सही है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ना कि मैं इसलिए एक्सेप्ट करूँ कि मुझे इस दलदल से निकलना था और दूसरी जगह किसी भी पैर, किसी भी कंधे पर पैर रख के बाहर निकलना था तो मजबूरी में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सच में मुझे दिल से अंदर से आवाज़ आए कि हाँ तुम इसे एक्सेप्ट करो, ये सही है, ये राइट है। तो मैंने तो उनसे एक बात नहीं बताई कि मैंने मुझे फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, बस मैंने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूँ, लेकिन सच बोले तो मैं नहीं आना चाहती हूँ उस धर्म में, क्योंकि मुझे अभी अंदर से फील नहीं हो रहा है। जब तक मुझे फील नहीं होगा, है ना, कि इतना जल्दी मैंने अल्लाह को छोड़ दिया और इतनी जल्दी मैं भगवान को एक्सेप्ट कर लूँ, तो ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं इतनी जल्दी कैसे किसी मजहब में गिर जाऊँ, किसी मजहब में चली जाऊँ, जब एक से भरोसा अट गया तो दूसरे को कैसे मैं एक्सेप्ट करूँ। तो इस तरह से मैं, और फिर स्वामी जी, मैंने वीडियो सुना, वो शादी वगैरह भी लोगों लड़कियों का करा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई मुझे फिर फोर्स करे कि तुम इससे शादी करो, उससे शादी करो, तो ये सारी चीज़ें भी मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। तो मुझे उनसे वो बात करने के लिए कह रहे थे, उनका स्ट्रीम चालू था, लाइव स्ट्रीम चालू था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हुआ उनसे बात करने का। मैं क्या बोलूँ उनसे, मैं कैसे बोलूँ, कैसे बात करूँ, तो पता नहीं तुम दिल क्या। अच्छा सना जी, आपकी बात आ गई है, मैं भी स्वामी जी से पर्सनली बात करूंगा और ये आपका जो भी चीज़ है वो उनको भी बताऊंगा। और उसके बाद आप जो है मुझे मैसेज करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप या फिर आप मुझे ईमेल करिए, हम इसका कोई सलूशन निकालते हैं और उस हिसाब से फिर काम करेंगे।
आपने ये भी कहा कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड को आपने बता दिया है, तो पता नहीं मुझे कि वहाँ पे क्या माहौल है आपके घर पे, आप अभी सेपरेटेड है, अपने घर आ गई है, आपके घर वाले इसको कैसे देख रहे हैं, ये सब चीजें डिटेल में हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ इसका रास्ता निकल सकता है। बहरहाल हम कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतना बोल्डली आपने सब बातें आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक का कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है, तो कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, अपने आप को सेफ रखिए और जल्द ही हम इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सना जी, एक लास्ट एक लाइन बोल के आप स्टूडियो छोड़ सकती है। मैं नहीं जानती क्या सही क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं सदमे में हूँ, बस मैं यही कहूँगी। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। हाँ, मैं जिस मज़हब से इतना प्यार करती, कितना मन चाहती थी, अचानक हेलो जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है सना जी, आप कांटेक्ट करिए और हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है सना जी।